पाकिस्तानी सरकार इनकरेज करती कि जाओ बेटा भीख मांगो बाहर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में एंड इट इज सपोर्ट। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो बोला कि साहब 2000 जो भिखारी हैं, 2000 भिखारियों का हमने 7 साल के लिए पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, अब ये बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, सी कैटेगरी की बी ग्रेड बातें हैं। वही आदमी जो है अपना नाम बदलेगा, दूसरी आइडेंटिटी से दूसरा पासपोर्ट बनाएगा। अब ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, यूरोप के कई देश पता है क्या बोल रहे हैं, यूरोप के कई देश बोल रहे हैं कि भाई सुनो, तुम आ गए हो यहां पे, हाथ जुड़वा लो, इतने पाउंड लो, इतने यूरो लो, इतने डॉलर लो और तुम चले जाओ यहां से। तो कोई कह रहा है $30,000 देंगे, कोई कह रहा है $35,000। पाकिस्तान ने इसकी भी इंडस्ट्री बना ली। वो पाकिस्तानी गया, ठीक है जी, वो पाकिस्तानी गया, उसने $30,000-$35,000 ले लिए, वापस पाकिस्तान चला गया, वहां पे 1 साल रहा, वहां पे इन्वेस्ट करा, जो भी करा, जमीन खरीदी, अपना नाम बदला, एक ओबचुरी अखबार में छपवा दी, यानी कि ये आदमी मर गया है खुद के लिए, खुद के लिए छपवा दी कि मर गया है, राइट। और वहां पे दूसरे नाम से दूसरा पासपोर्ट बनाया, दाढ़ी थी दाढ़ी शेव कर ली, बाल छोटे करवा लिए थोड़े से, मतलब जो भी उसको करना करवाया, वहां पे फोटो लगा के दोबारा भाग के उस मुल्क में चला गया जहां से आया था। कुछ समय के बाद फिर $35,000 लिए, फिर ये एक साइकिल है जो ये करते हैं। और इसमें पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तेज हैं, इनको पता है यार पाकिस्तानियों को फ्रॉड से कैसे पैसे कमाने हैं। ये देखो उमरा एक्ट ला रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, और इंटीरियर मिनिस्टर जो इनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो कहता है कि सऊदी एम्बेसडर नवाफ बिन सैद अहमद अल मलकी को इसने ये बोला है कि हम लोग स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये देखो ये पुरानी खबर है, लेकिन खबर मैं जब भी सुनता हूं बड़ा अच्छा लगता है, दोबारा सुना रहा हूं, 5 बार सुना चुका हूं पहले, ये खबर 5 बार पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं मेजरली राइट पे, चाणक्य डायलॉग पे, लेकिन मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं। मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर कहते हैं कि 90% ऑफ बेगर्स अरेस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज आर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में जो बेगर्स को, भिखारियों को अरेस्ट करते हैं, उसमें 90% पाकिस्तानी है। मैनी बेगर्स यूज पिलग्रम वीजा, ये ईरान में, अच्छा ईरान में भी मांग रहे हैं, सिर्फ सऊदी में नहीं मांग रहे, ईरान परेशान है, इराक परेशान है, सऊदी अरेबिया परेशान है, और जापान जो है ये नया डेस्टिनेशन बना है बेगर्स का, अब ये जापान में भी भीख मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये जापान में जाके भीख मांग रहे हैं, जापानी सीख ली उन्होंने, क्योंकि जापानी इंग्लिश तो बोलते नहीं, वो अपनी जबान बोलते हैं, तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर क्लासेस चलाई हैं कि जापानीज में थैंक यू, हेलो, नमस्ते, ये सारा का सारा आप जापान के 2-4-5 फ्रेजेस सीख लो, फिर ये लोग जाते हैं जापान के टोक्यो में लैंड करते हैं और जो सबसे कोने वाली लाल बत्ती पकड़ी वहां पर मांगना शुरू। जापानियों को आदत नहीं है, वो तो हार्डवर्किंग लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, जब इन लोगों को देखते हैं तो तरस आ जाता है, दे देते हैं पैसे, ये पैसे एंटी कर लेते हैं, ये 6-8 महीने वहां पे भीख मांगते हैं, दवा की भीख मांगते हैं, फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। सरकार का फायदा, भिखारी का फायदा, क्योंकि जब वो जाएंगे उनको पाकिस्तानी रुपीज में एक्सचेंज करना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान में खर्च करना है, पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा ना जापानीज करेंसी, तो सरकार के पास इनकी जापानीज करेंसी आ जाती है, सऊदी की करेंसी आ जाती है, इराक की करेंसी आ जाती है, ईरान की करेंसी आ जाती है, दबा के भिखारी एक्सपोर्ट, और दोस्तों लाखों की तादाद में, इट इज नॉट हजारों, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। मैं ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बात मकसद आज ये है इसका डिस्कस करने का कि सऊदी अरब ने अब फॉर्मली इनको वार्निंग दे दी और सऊदी अरब ने हाथ जोड़ लिया, कह रहा भाई यार मत करो यार ऐसा, हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे पाकिस्तानियों को, हम सॉरी कहते हैं आपसे,